नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बात एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी के बीच के तल्ख होते रिश्तों की। दरअसल जेडीयू और बीजेपी के बीच जो भीषण टकराव है और जिस तरह से दोनों दलों के बीच के रिश्ते तल्ख होते रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोनों तरफ से जो बयान सामने आते हैं वो इन कयासों को मजबूती देते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती, माफ कीजिएगा, टूट सकती है। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर टूट की ये खबरें, टूट के ये कयास और मजबूत हो रहे हैं। दोस्ती टूटेगी, नहीं टूटेगी, लेकिन इतना जरूर है कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती में खटास और बढ़ेगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है और पहले ही यह कहा जा चुका है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान बकायदा सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर बीजेपी हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो हम नीतीश मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे। अब इस मामले को लेकर अपडेट क्या है? तो अपडेट यही है कि जेडीयू ने बीजेपी से 25 से 30 सीटों के बीच की मांग की है। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व में बीजेपी को साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमें सम्मानजनक समझौता चाहिए यूपी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में, जबकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी उस संख्या में सीटें देने को जेडीयू को तैयार नहीं है और इसलिए दोनों दलों के बीच के रिश्ते लगातार तल्ख हो रहे हैं। दोनों दलों के बीच की खाई और चौड़ी हो रही है और खबर यह भी है कि जेडीयू यूपी के विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। जेडीयू ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, दूसरे राज्यों में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है और जेडीयू ये कहती रही है कि हम दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायक थे जिसको बीजेपी ने तोड़ लिया और उसके बाद इतना बवाल हुआ। तो जेडीयू अपने विस्तार को लेकर चिंतित है और हर राज्य में अपना विस्तार चाहती है, अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है और यूपी विधानसभा चुनाव जेडीयू के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसके संकेत जेडीयू ने खुद दे दिए हैं। जेडीयू ने साफ तौर पर कहा है कि हम यूपी चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के साथ सही तो बीजेपी के साथ सही, अगर बात नहीं बनी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे और नीतीश मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी बात जेडीयू की तरफ से सामने आई है। जेडीयू बीजेपी में अभी सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई है और बात नहीं बनी तो जेडीयू 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।